फ्लेम थ्रोअर अटैक। हम किसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर यूज करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। नाइस, क्रिटिकल हिट वो भी। कॉर्विस्क्वायर नाम है इसका उड़ने वाले पोकेमॉन का। हो नाइस, सुपर अटैक किया इसने तो। ये दोनों करा दे हम दोनों ने मिलके, मैं अकेला भी हरा सकता था वैसे तो। जी अब बजाओ बापू मोटू। होप यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे यहाँ पे फिर से फाइट होने वाली क्या? ये कौन है? काबू, थैंक यू फॉर हेल्पिंग आउट विथ माय ट्रेनिंग टीम येल, बट आई मस्ट से इट्स बेटर दे। चलो स्किप करते हैं सब। काबू, मुझे लग रहा है काबू के साथ फाइट होने वाली है हमारी। शायद फाइट नहीं करेगा ये, कल आऊंगा बोल रहा है। ट्रेनिंग कर रहा था यहाँ पे ये तो। आई रिमेम्बर ली टॉकिंग अबाउट काबू। अच्छा तो फाइनली हम केव से बाहर निकल गए अभी। I guess it must be here on job. You know what about Pokemon job by now, right? Okay, what? Looks like there is no helping it in that case. Settle down and let Professor Hope teach you a thing or two. इसने तो मुझे सिखाया नहीं। You can take Pokejobs from the Rotomi at any Pokemon Center to so give it a look sometime. Okay. Now I am Cream Crag. हम Pokejob ले सकते हैं। ओए next आएगा Fire Gym. Fire Gym आने वाला है guys. Mosto Couch Cuts. इसके पीछे कुछ था। Amulet Coin. An item held by Pokemon is double any prize money received it if the holding Pokemon joins the battle. क्या बात है, nice। ये तो देना ही पड़ेगा, हमें भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हम अपने जो मेन पोकेमोन है जो बैटल में उतारते हैं ना उसको ये दे देंगे। ओके तो क्या होगा कि जो भी जिससे भी हम फाइट करेंगे ना वो हमें डबल पैसे देगा। चलो लेफ्ट ओवर उसको दे दिया। ओके नॉइश, अब हम जो भी बैटल करेंगे चार मिलियन के साथ वो सभी लोग हमें डबल पैसे देंगे। ओए होए ये क्या पोकेमोन है, खतरनाक वाले, इनको तो आराम से हरा दूंगा। नेक्टो फ्लेम थ्रोवर। खतरनाक पावर था उसका जो भी था। ड्रैगन ब्रेथ अटैक। अरे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ये सब। ओ नो, फेंट हो गया। रिबूट गो। तो नेक्स्ट जिम में गाइस फायर टाइप पोकेमोन के साथ फाइट होने वाली है। जिम लीडर जो है वो फायर टाइप पोकेमोन ब्रीडर है। फ्लेम चार्ज अटैक। ओ नाइस, हमारा 4 मिलियन फेंट हो गया है। ये वो ट्री जैसे पोकेमोन देखो। उई बच गया। ओए ये कौन है, भागो, ओए मारेगा। ए लड़की के साथ फाइट हो गया, बुढ़िया है ये तो, कैरोलिन। वो कैसे पीछे पड़ गया था अभी भागते हुए।
ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, डबल किक अटैक करेंगे, इसे फायर ज़्यादा इफेक्टिव रहता। स्पार्क अटैक, ओह नो, इसको पैरालाइज ना कर दे। चलो पैरालाइज नहीं हुआ, बच गया। डबल किक नहीं करना था, गलती से क्लिक हो गया, कोई नहीं, काम हो गया लेकिन हमारा। नाइस, स्वो बेट भेजने वाली वो। स्वो बेट के सामने चलो 4 मिलियन को हम रिस्टोर करते हैं। 4 मिलियन को रिस्टोर करना पड़ेगा वरना ये कम पैसे देगी हमें। इसको रिस्टोर करके फाइट में उतारना पड़ेगा ताकि वो डबल पैसे दे। तिन 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 तिन, उसने कन्फ्यूजन यूज किया है। मार पड़ी, अरे चक्कर आ गए बेचारे को। कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज हो गए। अब हम 4 मिलियन को फाइट में लाते। गो 4 मिलियन, क्योंकि 4 मिलियन के पास मिलेट कॉइन है तो हमें डबल पैसे मिलेंगे। के मार मत खाओ, हील करो, हील। सुपर पोशन हमने बाय किया था, ये रहा। नाइस नाइस, उसने फिर से एयर कटर यूज किया। ओके, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। आ गया ये रहा, फ्लेम थ्रोवर अटैक। अरे अटैक ही नहीं करने दे रहा है। जला के राख कर दिया, नाइस, क्रिटिकल हिट। कितने पैसे दिए इसने देखते हैं, अभी डबल पैसे मिलेंगे। 9600, मजा आ गया, डबल पैसे। अरे कहाँ से आ गया फाइट टाइप स्वॉक। फ्लेम थ्रोवर, ये क्या था? प्रोटेक्ट, उसने अपना कुछ प्रोटेक्शन बढ़ाया। फ्लेम थ्रोवर के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। जल गया वो। तिन 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 तिन, और स्लैश अटैक के साथ खत्म करते हैं। गया, बढ़ा रहा है पावर लेकिन जल के गया ये। फेंट, वो कैसे कपड़े पहन के कराटे चॉप मारने आ गया था पीछे पीछे। ये फाइट करने के लिए रेडी है क्या पुलिसमैन? मैं पीछे से निकल जाऊंगा। हे हे, फाइट करते हैं, मैं फाइट से नहीं डरता। कितना खुश हो रहा है रेमंड, रेमंड द पुलिसमैन। ओए ओए, फायर टाइप पक्की मनी है तो। चलो फायर वर्सेस फायर टाइप ग्राउलित, उसने मुझे डरा दिया। ये सामने फाइट में आते ही डर गया। ड्रैगन ब्रेथ अटैक, वो सुपर बाइट, वो काट लिया, काटता है। ड्रैगन ब्रेथ अटैक खाओ फिर से। साइकिल यूज करो, साइकिल मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजें मिलती रहती है बीच में, आराम से जाते तो देखने मिलता इजीली। ये हंस रहा है, हार गया फिर भी, अच्छा पुलिस वाला है।
चलो अभी ब्रिज पे आए तो साइकिल यूज करना ही पड़ेगा, दूर तक जाना है। फुल स्पीड ओ सुपर साइकिल, ऐसी साइकिल चाहिए मुझे भी, चार्ज वाली। ये कौन है, मोटर स्टॉक में आ गए हम लोग। पोकेबॉल्स, ग्रेट बॉल्स यहाँ पे। अरे यहाँ पर तो हम आए थे, यहाँ पर हमारा वो हुआ था, क्या बोलते हैं, सबसे पहला सब सारे जिम लीडर के सामने हमारा एंट्री हुआ था यहाँ से। तो अभी हमें कहाँ पे जाना है वैसे। स्टॉप इन एट बीडियो ड्रॉप इन फॉर द नाइट। अच्छा हमें नाइट रुकना है इनमें, फिर नेक्स्ट डे उसने बोला था हम कल फाइट करूँगा मैं ऐसा करके। तो फाइट टाइप पोकेमोन के सामना करना है हमें। यहाँ पे रुकना है हमें यहाँ पे, और पहले पोकेमोन हील करके आएंगे। चलो फिर कल की फाइट के लिए रेडी होते हैं सो के। ये कौन है, ओ ये तो वही लड़की है जो मिली थी पहले। ऑल राइट, मैंने किस में ऑल राइट बोल दिया, फाइट के लिए। अरे फाइट होने वाली है, ओह मुझे पता भी नहीं था मैंने फाइट के लिए हाँ बोल दिया। वो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। ड्रैगन ब्रेथ, वो रिवेंज अटैक किया उसने, स्लैश अटैक। तो मुझे लग रहा है स्लैश ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन काम बन गया हमारा। ठीक, वो देखो कैसे चीयर अप कर रहे हैं भोपू बजा रहा है वो स्विच पोकेमोन। रिबूट को ये लाते फाइट में, नहीं हमने अभी तक ड्रेडनो को एक भी फाइट में ले लिया है, और वो वाटर टाइप है, हमारा मेन पोकेमोन रहेगा नेक्स्ट फाइट के लिए। ड्रेडनो, ओह स्कैर्गुरी, रॉक टॉम्ब अटैक, रे अटैक, ओह पर ज्यादा डैमेज नहीं किया उसको। लोअर किक, अरे सीरियसली वो इतना छोटू पोकेमोन इतनी बड़ी कीक मारता है क्या। लोअर बट हेड बट अटैक, नाइस। अरे फिर से लोअर किक, नाइस। अरे क्या लोअर किक मारता है ये, खतरनाक है। ओके 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 ओके, दूसरा तो वाटर टाइप है नहीं हमारे पास, ओ दूसरा तो नहीं है, टॉक्सेल यूज करते हैं। चलो डिंग 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 डिंग, टॉक्सेल नजल अटैक। अरे उसको हील कर दिया, वाह। ओके ओके, शॉक दिया और उसको पैरालाइज भी कर दिया, नाइस। अब धुलाई करते हैं एसिड अटैक से, बहुत ही बढ़िया। हेड बट, ये खतरनाक अटैक करता है, और हमारे पास इसके खिलाफ और कोई ज्यादा पावरफुल अटैक भी नहीं है दूसरा तो। ओके उसका अटैक फेल हो गया क्योंकि वो पैरालाइज है। ये वाला अटैक ट्राई करते हैं, ये भी ज्यादा अटैक पावरफुल नहीं है। अरे हालत खराब कर दी, ये वो डाउन होने वाला है। नहीं हमारा दूसरा पोकेमोन फेंट कर दिया उसने। स्टन फिश को अभी सबक सिखाते हैं। Uh,
मेटल साउंड मड शॉट अटैक ये मोर पिको ये कौन सा पोकेमॉन है दैट्स व्हाई द मटर पॉकेट ओ काचू जैसा दिखता है थोड़ा सा सकर पंच अटैक रे ज्यादा पावरफुल नहीं है बाइट बाइट यूज किया उसने ये क्या ओए ओए ये क्या रेज मोड में आ गया है क्या ये सामने मड शॉट अटैक उसका देखो मोड चेंज हो गया पूरा रेज मोड में आ गया है वो ये मड शॉट के सामने लेकिन उसकी धुलाई होने वाली है नॉर्मल हो गया अभी बड़ा रेज कर रहे थे ये लो एक और मड शॉट खाओ ठंडा करो अपने आप को अरे फिर से रेज मोड में आ गया क्या कर रहा है करना क्या चाहता है मुझे अटैक भी नहीं करने दे रहा मड शॉट नाइस खतरनाक पोकेमॉन है वो सामने यस जीत गए उदास हो गए देखो हार गए इसलिए उसी ने फाइट करने बोला था लेकिन उर्र करके भाग गई उर्र अभी हम सो रहे हैं नाइट हो गई है द नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह भी हो गई हमारे पोकेमॉन हील हो चुके होंगे आई होप उसने हमारे लेकिन खतरनाक फाइट दी दो पोकेमॉन को फेंट कर दिया था और दूसरा फेंट होने वाला था लड़की पावरफुल है ये कि उसने अपना लीक काट दिया है हमें नाइस और टू बर्न हील क्या बात है थैंक यू ये टकलू अंकल क्या कर रहे हैं यहाँ पे पूरा रहा है अच्छा उसका ये ऐसा बोले सेव तो गाइस अभी जिम बैटल होने वाली है शायद क्योंकि उसने बोला था टुमारो ऐसा बोला था फाइट करने के लिए नॉइश हमें जिम फाइट करने जाना है इसलिए उसने लीक कर दिया है शायद ये ओ यू आर द चैलेंजर एवरीवन टॉकिंग अबाउट यस मैं हूँ ये मेरे बारे में सब लोग बात कर रहे हैं देखो मेरे फैन मुझे चीयर अप करने आए यहाँ पे थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर द सपोर्ट थैंक यू ये काबू स्ट्रॉन्ग ट्रेनर दिस फॉर श्योर यू आर गोना फेस काबू वेल गुड लक अरे थैंक यू मैं काबू को फेस करने जाने वाला हूँ ओह यू आर द जिम चैलेंजर आई एम चीयरिंग फॉर हाँ अरे थैंक यू हमें चीयर करने के लिए थैंक यू कहाँ जा रही हो हमें चीयर करने नहीं रुकोगी अरे हमारी फाइट तो देख के जाओ कहाँ जा रही हो ऐसे कौन चीयर करता है वाह हमें चीयर करने आके बोल के चली गई है तो कोई नहीं और भी लोग डायनेमिक्स इज मेकिंग योर पोकेमॉन बिकम ह्यूज यस हमें पता है वो तो गो ऑल आउट यस हम पूरी कोशिश करेंगे जीतने की It's so soothing to see क्या सी Pokemon playing in the city yes यहाँ पे Pokemon घूमते रहते हैं वो बहुत ही अच्छा दिखता है सब वह ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे ये क्या कर रहा है हमारा rival मुझे लग रहा है हमें fight करने आएगा सबसे पहले हमें gym में जाने से पहले हमसे fight करेगा slow moving anti Ron हाँ मैं slow ही चलता हूँ मैं exploration करता हूँ सब वाह इसको बैच मिल भी गया इसने काबू को हरा भी दिया ऑलरेडी वाह खुश हो रहा है कोई ना हम भी हराएंगे तो हमारे राइवल ने ऑलरेडी काबू को हरा दिया है यहाँ पे यहाँ के जिम लीडर को अब हमारी बारी है गाइस तो क्या लग रहा है क्या हम हरा पाएंगे पहली बार में बताओ चैट में क्या हम इस जिम लीडर को फर्स्ट ट्राई में हरा पाएंगे या फिर से दो बार ट्राई करना पड़ेगा देखते हैं मुझे लग रहा है हम हरा पाएंगे इजीली चलो चलते फिर
आप लोगों का भी साथ है हमारे पास। मोटो स्ट्रोक स्टेडियम, ये अंदर क्या कर रहा है? तुम तो हरा चुके हो, यहाँ पे क्यों खड़े हो? मेरी फाइट देखने के लिए। देखो हमारा राइवल हमारी फाइट देखने के लिए आया है। नाइस, वैसे हमारा फ्रेंड भी है वो, बेस्ट फ्रेंड है वो, राइवल भी और फ्रेंड भी है। हमें यहाँ पे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे पहले तो। अरे यहाँ से कपड़े चेंज नहीं करने होते क्या? अरे मुझे आज फाइट करनी थी, मैं भूल गया कहाँ पे जाना है, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। यस आई एम रेडी, हम रेडी है फाइट करने के लिए, बहुत ही मज़ा आएगा। देखो कपड़े चेंज करने जा रहे हैं हम लोग, ये जिम लीडर के साथ फाइट करने के लिए। हमारे लक्की नंबर के कपड़े हमारे। यू मे फाइंड जिम अच्छो हुई हुई, ये वाला बैच मिलेगा क्या हमें? वो अच्छा, ये उसका सिंबल है। यहाँ पर हमें जिम लीडर से फाइट करने से पहले ये पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, जिम चैलेंजेस। इसका मुंह कैसा दिख रहा है? ये बंदी अजीब मुंह वाला बंदा है ये। जिम मिशन फॉर द फायर जिम इज दिस। ओ ये फायर जिम है गाइस, फायर। हमारे पास दो फायर पोकेमोन है तो फायर वर्सेस फायर होने वाला है आज। और वाटर टाइप पोकेमोन भी हमने रखे हुए और इलेक्ट्रिक टाइप भी हमारे पास। जैसे जैसे सामने पोकेमोन अलग अलग टाइप के आएंगे वैसे वैसे हम पोकेमोन अपने यूज करेंगे। कैचिंग पोकेमोन टू अर्न द मोस्ट पॉइंट, अर्न 5 पॉइंट टू क्लियर द जिम मिशन। ए हमें 5 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। बट यू वॉन्ट बी अलोन इन दिस कॉम्पिटिशन, कोई ना, हम अकेले नहीं होंगे। जिम मिशन स्टार्ट्स नाउ। हे हे विसल बज गई, क्या करना है मुझे, क्या करना है बताओ? क्या करना है हमें? 5 पोकेमोन पकड़ने क्या? ओह नो, हम जिम चैलेंज में फेल नहीं होना चाहते, क्या करना है मुझे? मेरे पटावे पढ़ा ही नहीं ठीक से। ओह हमारा साथ देने के लिए है ये, नाइस। ए ओके फाइट, ओके फाइट, फ्लेम थ्रोवर अटैक, लिट्विक पे अटैक करेंगे। ओह नाइस, नॉट इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओके बहुत ही बढ़िया, इट्स सुपर इफेक्टिव। ओके अभी हमें इसको पकड़ना है। यूज पोकेबॉल, डिंग 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 डिंग। नाइस, हमने अपना पहला पोकेमोन पकड़ लिया, लिट्विक। फर्स्ट पोकेमोन लिट्विक पकड़ा है हमने, और हमारा टॉक्सिन लेवल अप हो गया है, बहुत ही बढ़िया। ये घोस्ट टाइप पोकेमोन है एंड फायर टाइप पोकेमोन है, नाइस। घोस्ट एंड फायर टाइप है ये। इसको हम अभी के लिए बॉक्स में रख देते हैं क्योंकि हमारे पास जो पोकेमोन है उनका यूज करने वाले हैं हम लोग। ये हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, हमें 2 मतलब और भी ढेर सारे पोकेमोन पकड़ने पड़ेंगे, 5 पॉइंट कलेक्ट करने हमें। हुई इसका पोकेमोन देखो, ये सामने जो पोकेमोन है वो फायर टाइप है तो फायर वाले मूव्स उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, लेकिन ड्रैगन ब्रेथ शायद इफेक्टिव होगा। अरे मुझे मारा उसने, हमारी 4 मिलियन को मारा। होए होए उड़े, वाओ हमारे साथी को भी मारा। हमारा जो अटैक था वो उसको लगा नहीं, हमें स्लैश अटैक करना पड़ेगा फिर उसके ऊपर। स्लैश अटैक, नाइस, अच्छा डैमेज किया। ओ नो हमारी एक्यूरेसी डाउन हो गई, उसने कुछ हमारे ऊपर यूज किया। ये उसने अपना अटैक बढ़ाया। चलो इस बार हम यूज करेंगे फिर से ड्रैगन ब्रेथ, ट्राई करते हैं उसके ऊपर। ड्रैगन ब्रेथ अटैक, ओ नाइस नाइस, अभी हम इसको पकड़ पाएंगे। ओह नो, हुई इसको पड़ी। वाह हमारे साथी का पोकेमोन बेचारा फेंट हो गया। वही ना, हमारे पास अभी भी मौका है पकड़ने का। पोकेबॉल कैचेबॉल,
did it nice, and दूसरा पोकेमॉन भी हमने पकड़ लिया अपना, ये सिजिल पीड़े पकड़ लिया है दूसरा, जो कि फायर टाइप पोकेमॉन है, तो हम बॉक्स में भेजेंगे. चलो अभी हम थर्ड पोकेमॉन पकड़ेंगे अपना, ये रहा वुलपिक्स, ये भी फायर टाइप पोकेमॉन है. इसके ऊपर भी हमें ड्रैगन ब्रेथ या फिर स्लैश अटैक करना पड़ेगा. ये फायर टाइप अटैक उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा. वो स्लैश खतरनाक इफेक्टिव था. स्पिन अटैक बहुत ही बढ़िया, अब हम इसको पकड़ सकते हैं. इसकी एचपी काफ़ी कम हो गई है. गो पोकेबॉल. एकदम इजीली पकड़ लिया तीनों को हमने, क्या बात है. सेंड टू बॉक्स, अनदर मिशन क्लियर, कंग्रेचुलेशंस, नाइस, थैंक यू. ये लोग खुश हो गए हम पे ना. देखो काबू जी, मिशन लाइक दैट यू आर पॉजिटिवली ऑन फायर, हम फायर पे एकदम. हो फाइनली हम फाइट करने वाले हैं काबू से, हमारे जिम चैलेंजर से, मजा आएगा. सॉरी हम ही खुद जिम चैलेंजर है, हमारे जिम लीडर से फाइट करेंगे यहाँ पे आज. फायर टाइप जिम लीडर है ये, फायर जिम. ओ देखो कितने सारे लोग हमें देखने के लिए आए. देखो मैं अपने बाल ठीक कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ हैंडसम लगूंगा भाई. काबू, ये काबू भी हमारे साथ चलेगा क्या? चलो तो ये है यहाँ का जिम लीडर, फायर जिम लीडर है ये. इतने सारे 10,000 लोग हमें देखने आए, 10 करोड़ लोग हमारी फाइट देखने के लिए आए. बहुत ही एपिक फाइट होने वाली है यहाँ पर जिम लीडर के साथ. ये हमारा थर्ड जिम लीडर फाइट है गाइज. अगर आपने आगे की कोई भी फाइट मिस की है तो इसके वीडियोस वगैरह भी आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो आप देख पाओगे सब कुछ पहले से ही. वेलकम, आई एम काबू द फायर टाइप जिम लीडर. यस मुझे पता है. चलो हम तो रेडी है फाइट करने के लिए. ओ ये बोल रहा है कि मैं इजी नहीं रहूँगा तुम्हारे लिए करके, बिना देखते क्या होता है. हमारे पास भी दो फायर टाइप पोकेमॉन है तो थोड़ा सा हमें भी संभल के फाइट करनी पड़ेगी. ये फुल फॉर्म में काबू तो. नाइन टेल्स, नाइस, 4 मिलियन. ओके हम सोच समझ के फाइट करनी पड़ेगी. ये नाइन टेल्स जो है वो फायर टाइप पोकेमॉन है. हम उसके बाद ड्रैगन ब्रेथ यूज करेंगे. ड्रैगन ब्रेथ, ओए उसने क्विक अटैक कर दिया पर ज्यादा डैमेज नहीं बना. इस ड्रैगन ब्रेथ अटैक, ओहो बहुत ही बढ़िया. वो इलेक्ट्रिक पैरालाइज हो गया वो, नाइस. हमने ड्रैगन ब्रेथ से उसको पैरालाइज कर दिया थोड़ा सा, तो उसके कुछ कुछ मूव्स जो है वो हम पे इफेक्टिव नहीं होंगे ज्यादा. अभी नेक्स्ट अटैक करेंगे हम स्लैश अटैक. क्विक अटैक किया फिर से, क्विक अटैक हम पे ज्यादा इफेक्टिव है ही नहीं, लेकिन स्लैश अटैक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा करे. क्रिटिकल हिट, नाइस, हमने क्रिटिकल हिट दी उसको. इस बार हम यूज करते हैं फायर फेनी, फ्लेम थ्रोवर ट्राई करते हैं, फ्लेम थ्रोवर अटैक. ओ ये तो 3 बार क्विक अटैक यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव ही नहीं है. फ्लेम थ्रोवर अटैक, 4 मिलियन. अरे हमारा अटैक फेल हो गया, सीरियसली वाह, हमारा अटैक फेल हो गया. चलो फायर फेंग अटैक करते हैं फिर, फ्लेम थ्रोवर इफेक्टिव नहीं है उसके ऊपर. ओ फ्लेश लाइट, एम्बर अटैक यूज किया. अरे वाह क्रिटिकल हिट पड़ी मुझे हमारे 4 मिलियन को. हमें दोनों की हेल्थ सेम हो गई है, हमें जल्दी से फाइट एंड करनी पड़ेगी. ड्रैगन ब्रेथ अटैक, ओ ये फाइट थोड़ी मुश्किल हो रही है हमारे लिए. ओ उसने भी एम्बर अटैक यूज किया है, नहीं ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा ये वाला. इस बार हम करेंगे फिर से स्लैश अटैक. आई होप कि इसकी एचपी
खत्म। नाइस, फेंट हो गया। नाइन टेल्स को हमने फेंट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। हम फर्स्ट फाइट जीत चुके हैं सामने। फिर नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आएगा? आर्किनाइन। ओके, आर्किनाइन भेज रहा है वो। हम स्विच करते हैं अपना पोकेमॉन अभी। आर्किनाइन के सामने हम यूज करेंगे ड्रेडनाउ को, भेजते ड्रेडनाउ को। वो वाटर टाइप पोकेमॉन है तो फायर टाइप के सामने अच्छा रहेगा। गो ड्रेडनाउ, ये टन 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 टन। आर्किनाइन, आर्किनाइन भी बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है। वे डरा दिया, आते ही हमारा अटैक डाउन कर दिया इसने, इतना खतरनाक है वो। चलो कोई ना, हम वाटर गन यूज करेंगे। विलो विस्प, ये कौन सा पावर है? ये क्या किया? अरे अरे, जला दिया बेचारे को। वाटर अटैक, नाइस। हमने ज्यादा डैमेज किया लेकिन हमारा पोकेमॉन जल रहा है अभी। हर एक मूव अटैक, मतलब हर एक मूव में, हर एक टर्न के बाद हमारा ये थोड़ा सा हेल्थ एचपी कम करता रहेगा। हमें जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा फिर तो। चलो रॉक टॉम्ब अटैक करते, ये थोड़ा पावरफुल अटैक है। ओ, उसने बाइट किया पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। नाइस। ओ नो, हम अपना अटैक नहीं कर पाए, हम जल रहे इसलिए मूव नहीं कर पाए। चलो हेड बट करते, हेड से मारते उसको। फिर से काट लिया बेचारा मेरा पोकेमॉन को, काट रहा है। हम अटैक ही नहीं कर पा रहे। ओ नो, ओ नो नो नो, हम भी काटते हैं सामने। बाइट अटैक, अरे वो बार बार बाइट कर रहा है। नहीं नहीं, सीरियसली ये मूव क्यों नहीं कर पा रहा हमारा पोकेमॉन? उसने कुछ कर दिया, बर्न हो रहा है इसीलिए। वाटर गन अटैक। ओह नो, ये वाली फाइट हम हार रहे हैं। नहीं सीरियसली, हमारा पोकेमॉन फेंट होने वाला है। ओके 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 ओके, बैग बैग बैग, तो कुछ खिलाते, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ाते, सुपर पोशन, सुपर पोशन देते, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ाते। ओह नो, ये फाइट हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है। नाइस, ओके ओके। बेचारा हमारा पोकेमॉन मूव क्यों नहीं कर पा रहा है? जल रहा है इसीलिए। फिर से वाटर गन ट्राई करते हैं। अरे कितनी बार मारेगा एक ही अटैक कर रहा है हम पे। वाटर गन अटैक, नाइस। ये हुई ना बात, फाइनली अटैक हमारा कुछ इफेक्टिव रहा। कोई ना, हम इसको आसानी से हार नहीं मानेंगे इतना जल्दी। हेड बट करते इस बार, हेड बट टेक। ये एक ही अटैक हम पे यूज कर रहा है बार बार, लेकिन बहुत इफेक्टिव है वो हेड बट। अरे ये तो ज़्यादा इफेक्टिव ही नहीं है। ओह नो, हमारा पोकेमॉन अभी फेंट होने वाला है। ओके ओके, आखिरी अटैक ट्राई करते हैं, उसके पहले शायद कर पाए। नहीं, हमारा ड्रेडनाउ फेंट हो गया। ओह नो, कोई ना, हमारे पास अभी भी ढेर सारे पोकेमॉन है, हमारे 4 मिलियन भी अभी भी है। स्टन फिक्स को यूज़ करेगा या फिर पिकाचू, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा इसके सामने। हमारे पास सारे इसके अटैक इलेक्ट्रिक टाइप ही है। चलो स्टन फिक्स को यूज़ करते हैं। गो स्टन फिक्स, ये मुझे लग रहा है कुछ अच्छा रहेगा। रिवेंज मर शॉट, चक्कर पंच, चक्कर पंच अटैक। वो ये क्या किया? ये कुछ कर रहा है उससे, हमें बहुत कुछ हो रहा है, वो अटैक ही नहीं कर पा रहा है। फिर हमारा फिर से जला दिया। वाह, हमारे सारे पोकेमॉन को जला रहा है। ओ नो, हम अटैक नहीं कर पा रहे, वो जला रहा है इसकी वजह से। फिर से ट्राई करते सकर पंच, अगर ये पंच पड़ा तो गया वो। ओ पड़ा, नाइस नाइस, बहुत, अरे बहुत ही कम डैमेज किया लेकिन। ओ नो, फ्लेमिंग व्हील अटैक, वाह खतरनाक इफेक्टिव है ये तो। ओके गाइस, हम थोड़ा सा अभी मुश्किल में हो रहे हैं, लोग चीयर कर रहे हैं। गाइस अच्छे से चीयर करो सभी लोग चैट में, हमें जीतना है ये फाइट। कुछ भी हो जाए हम मर्ड शॉट ट्राई करेंगे, शायद मर्ड शॉट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये फायर टाइप के सामने। मर्ड शॉट अटैक, ओए होए, फिर से फ्लेम व्हील किया इसने। ओ नो,
मड शॉट अटैक, नाइस। यस, उसका दूसरा पोकेमोन भी फेंट हो गया, बहुत ही बढ़िया। ये यस, अभी कितने पोकेमोन बाकी है हराने? नो, वो हमारा पोकेमोन भी फेंट होने वाला है ऑलमोस्ट। अभी वो यूज करने वाला है चेंटिस क्रोच। हम पोकेमोन स्विच करते इस बार, पिकाचू को और भेजते फाइट में। गो पिकाचू, पिका पिका पिकाचू। ओए होए, इसका सबसे बेस्ट पोकेमोन भेजने वाला ऐसा लग रहा है। ये तो बहुत ही डेंजर लग रहा है देखने में ही, मैं देख के डर रहा हूँ। चलो कोई ना, पिकाचू हिम्मत रखो, हम जीतने जीतेंगे कुछ भी हो जाए। चलो शुरुआत करेंगे क्विक अटैक से। ओ ओके, ओ नो, इसने, ओ नो, ये डायनेमिक्स यूज कर रहा है, हमें भी करना पड़ेगा। ओ डायनेमिक्स यूज किया, कोई नहीं हम भी करेंगे। क्विक अटैक, नाइस, ज्यादा इफेक्टिव नहीं क्योंकि वो डायनेमिक्स। ओके, अरे अरे, ओ नो पिकाचू, नाइस, सीरियसली पिकाचू, एक ही अटैक में पिकाचू, नाइस, सीरियसली हमारा पिकाचू एक ही अटैक में पूरा पेंट हो गया। ओ नो, चलो रिबोट, चलो अभी हम रिबोट को बेचते हैं, हमें भी डायनेमिक्स यूज करना पड़ेगा अब। ओके ओके, हमारी बारी अभी डायनेमिक्स यूज करने की। डायनेमिक्स में हम फ्लेम वाला अटैक यूज करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मैक्स स्ट्राइक अटैक, क्या खतरनाक अटैक किया उसने, अभी हमारी बारी खतरनाक अटैक करने की। गो डायनेमिक्स रिबूट, ये ओके, अभी हमारा अटैक देखोगे डायनेमिक्स वाला, मैक्स स्ट्राइक अटैक। वो खतरनाक पड़ी उसको, स्पीड फेल, उसकी स्पीड डाउन हो गई, नाइस। ओ नो, वो फ्लेम अटैक करने वाला है कुछ खतरनाक वाला। ओके ओके, कोई ना, ज्यादा इफेक्ट नहीं है, नाइस नाइस। हमारे रेबूट अभी भी फाइट में बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वो भी फायर टाइप पोकेमोन है, फायर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। फायर स्पिन भी यूज किया उसने, वाह। रुको रुको, अभी दिखाता हूँ मैं स्ट्राइक अटैक, फिर से न्यू अटैक करेंगे। ओह, ये तो वही अटैक था। ये कोई ना, ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा लेकिन ये वाला, और उसकी स्पीड डाउन हो रही है, वो हमारे लिए फायदे है। और नो, ये वाला अटैक उसका बहुत ही डेंजर है। ओ, ये तो डेंजर फाइट चल रही है, लेकिन हम जीतने वाले ऐसा मुझे लग रहा है। नाइस, बहुत ही बढ़िया। अरे उसका डैमेज हो रहा है फायर स्पिन वाला। हो, उसका डायनेमिक्स पावर खत्म हो गया, अभी वो गया, अब वो गया, हमारा डायनेमिक्स पावर एक और बार चलने वाला है। रुको, अभी दिखाता हूँ मैक्स फ्लेयर अटैक। हैं, ओए उसने कुछ, ओ नो, हमारा अटैक फेल हो गया क्या? हमारा अटैक फेल हो गया, सीरियसली? ओ नो, हमारा अटैक फेल हो गया मैक्स वाला। ओ, हमारा भी वो चला गया डायनेमिक्स पावर, हमारा अटैक फेल कैसे हो गया? ओ नो, हेड बट अटैक, नाइस, फ्लेम व्हील, अरे अरे ये खतरनाक है, नहीं, ओ बच गया, ओ बच गया। Oh no, guys, बहुत ही क्लोज फाइट होने, मतलब
हमारे पास अभी भी हमारा 4 मिलियन है, लेकिन बहुत ही क्लोज फाइट है ये, बहुत ही ज्यादा। स्विफ्ट अटैक, ओ नो, ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया मैं, हमारा रेबूट भी फेंट हो गया। ओ नो, टॉक्सिल, चलो नेक्स्ट टॉक्सिल। ये अभी उसको हम जहरीला अटैक करने वाले हैं उसके ऊपर। इतना क्यूट पोकेमोन है हमारे टॉक्सिल, देखो किसे बैठा हुआ है मस्त आराम से। और सारे लोग देखो कितने स्टेडियम में आसपास 10,000 लोग देख रहे हैं हमें ध्यान से, ये भी अपने फोकस कर रहा है पूरा फाइट में। वही ना गाइज, अभी ये उसका आखिरी पोकेमोन है और हम जीतने वाले हैं, डोंट वरी, हम इजीली जीतने वाले हैं। हम उसके ऊपर नजल अटैक करें या फिर एसिड अटैक करें? मेरे ख्याल से एसिड अटैक ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चलो एसिड अटैक टॉक्सिल, ओ नाइस नाइस, अरे थोड़ा सा रह गया। ओ नो सीरियसली, ओए वो खतरनाक धुलाई कर रहा है। ओ नो, चलो 4 मिलियन, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, गो 4 मिलियन, हमारी आखिरी उम्मीद। ओके 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 ओके, हमें फटाफट फिनिश करना पड़ेगा उसको स्लैश अटैक से, स्लैश अटैक, और हम जीत गए। नाइस, ओ क्या फाइट थी, मजा आ गया। टा 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 टा, ये हमने हरा दिया कामू को, ये कामू रो रहा है बेचारे। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। और मुझे क्या बोल रहा था, मैं नहीं हो रहा पाओगे करके। निकालो अभी मेरा जिम बैच, निकालो। पर बहुत ही क्लोज फाइट थी ये वाली, अगर उसको एक और चांस मिल जाता तो फ्लेम वाला अटैक करता रहा तो ये भी हमारा 4 मिलियन भी जाता। मजा आ गया, क्या खतरनाक फाइट थी। अब 3 फाइट हुए मेरे, हमारे जिम, 3 जिम लीडर के साथ ये सबसे खतरनाक फाइट थी ये वाली। और एक और बैच मिल चुका है हमें, नाइस, फायर बैच। हमारे पास अभी फायर बैच भी आ चुका है, अभी हम 35 लेवल तक के पोकेमोन को पकड़ पाएंगे। अब तक हम 30 लेवल तक के पोकेमोन को पकड़ पा रहे थे सिर्फ।